आज सुबह उठ के जैसे ही किचन में मैं गया तो मैंने देखा कि मेरी वाइफ फोक की मदद से एक बोतल में छेद कर रही थी। मैंने मेरी वाइफ से कहा, अरे तुम ये क्या कर रही हो, जल्दी से गैस को बंद करो, क्यों तू फोक को और गैस को जो वेस्ट कर रही हो। मेरी वाइफ बोलती है, मैं वेस्ट नहीं कर रही हूँ, बहुत ही खास चीज़ बना के तैयार कर रही हूँ। मैंने बोला, ऐसी कौन सी खास चीज़ है। मेरी वाइफ बोलती है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे घर में कुछ ना कुछ किचपिच रह ही रही रही है, क्यों ना उस चीज़ को ख़त्म किया जाए, क्यों ना अपने पैसे बचा लिए जाए एक खाली बोतल की मदद से। मैंने बोला, यार बोतल में छेद करने से भला कौन से पैसे बचेंगे हमारे, कौन सी हमारे घर की किचकिच ख़त्म होगी। मेरी वाइफ बोलती है कि होगी, बहुत ही आसान और सरल तरीका है और इससे बेस्ट तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने मेरी वाइफ से कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी बात एक बार को मैं मान ही लेता हूँ, ज़रा तुम मुझे बताओ कि हमें क्या करना होगा। मेरी वाइफ बोलती है, क्यों नहीं, मैं आपको ज़रूर बता देती हूँ। इस तरीके से हमें क्या करना होगा कि खाली बोतल ले लेनी होगी, और इस तरीके की जो बोतल है वो हर किसी के घर में मिल जाती है, चाहे वह पानी वाली बोतल हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल हो, कोई भी बोतल ले लीजिए, गैस को ऑन कीजिए, फोक को गर्म कीजिए और इस तरीके से जो है हमें इसके अंदर छेद करने होंगे। मैंने बोला कि छेद करने से क्या होगा, इससे हमारे घर की जो नेगेटिविटी है, जो हमारे घर की किचपिच है, वो कैसे ख़त्म होगी, और तुम पैसे बचाने की भी बात कर रही हो, वो कैसे होगा। मेरी वाइफ बोलती है, चलो ठीक है, आप रुको, मैं पहले इस बोतल में जो है पूरी में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें हमें छेद कर लेने होंगे, पूरी बोतल में हमें छेद नहीं करने हैं, ऊपर वाले हिस्से में छेद करने हैं। फिर हमें एक चाकू ले लेना होगा, चाकू को जो है वह हमें कुछ इस तरीके से गर्म कर लेना होगा, ताकि जब भी हम बोतल को कट करें तो हमारी बोतल बहुत ही आसानी से कट हो जाए। कुछ इस तरीके से चाकू हमारा पूरा का पूरा गर्म हो चुका है, और गर्म होने के बाद जब भी हम इस बोतल को कट करेंगे तो यह बोतल बहुत ही आसानी से जो है वो कट हो जाएगी। अगर आप चाहें तो बगैर चाकू को गर्म किए ही कट कर सकते हैं बोतल को, लेकिन इस तरीके से अगर हम कट करेंगे तो बहुत ही आसानी से और जल्दी से ये कट हो जाएगी। मैंने बोला, चलो ठीक है, अब तुमने इसको कट कर लिया है, और कट करने के बाद ये क्या, तुम अब दोबारा चाकू को गर्म क्यों कर रही हो। मेरी वाइफ बोलती है कि ऊपर का हिस्सा हमने कट कर लिया है, अब नीचे का जो हिस्सा है उसे भी हमें कट करना होगा। मैंने बोला, नीचे का हिस्सा हमें कट क्यों करना होगा। तो मेरी वाइफ बोलती है कि वह भी इस एक ख़ास चीज़ जो मैं एक किचन हैक्स बना रही हूँ इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ इस तरीके से बोतल का जो नीचे का हिस्सा होता है वो हमें इस तरीके से कट कर लेना होगा, और बीच का हिस्सा जो है वो हमें साइड में रख के फेंक देना होगा, और उसके बाद हमें इसके अंदर ऐड कर देना होगा नमक। आपको भी पता है कि नमक हमारे घर की जो नेगेटिविटी होती है उसको दूर करता है, और साथ ही साथ में नमक एक बहुत ही अच्छा स्रोत है नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, जो गंदी नज़र होती है उससे बचने के लिए। लगभग 5 से 6 चम्मच हमें इसके अंदर ऐड कर देना होगा नमक। नमक के बाद हमें इसके अंदर नींबू ऐड कर देना होगा। नींबू के ऊपर हमें वापस से थोड़ा सा जो है वो नमक ऐड कर देना होगा, और नमक ऐड करने के बाद हमें इसके अंदर कुछ लौंग भी कुछ इस तरीके से हमें डाल देने होंगे। लौंग डालने के बाद अब हमें कुछ बेसिक चीज़ें और डालनी होगी, जैसे कि गुलाब जल। गुलाब जल इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू देगा, ताकि हमारे जो घर की जो बदबू है वो दूर हो और हमारे घर में हमेशा खुशबू आती रहे। उसी के साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं एलोवेरा। एलोवेरा के साथ साथ हमें इसमें ऐड करना होगा हैंड वॉश। हैंड वॉश ऐड करने के बाद हमें जो इसका ऊपर वाला ढक्कन है वो लगा देना होगा, ताकि इसके अंदर के जो होल है उसके अंदर से जो खुशबू है वो हमेशा निकलती रहे, खुशबू बंद ना हो, इसलिए हमने इसके ऊपर के हिस्से में छेद किए थे, और ताकि यह दिखने में गंदा भी ना लगे, जब भी कोई इसे देखे तो यह दिखने में सुंदर भी लगे, बेकार भी ना लगे, और इसे जो है हम अपने घर के दरवाजे पर रख देते हैं, या फिर हम अपने बेडरूम में रख देते हैं, किचन में रख देते हैं, कहीं पर भी इसका जो इस्तेमाल है हम कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको लगे कि आपके घर में बदबू आ रही है, या फिर आपको ऐसा लगे कि आपके घर में किचकिच हो रही है, नेगेटिविटी आ रखी है, लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं हो रखे हैं, तो इसे आप अपने दरवाजे पर रख दीजिए, कुछ भी नहीं होगा। पिछले कुछ दिनों से हमारे घर में हो रहा था, तो सोचा मैंने एक के साथ दो काम कर लिए जाए। तो दोस्तों, मेरी वाइफ की यह खास ट्रिक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, बहुत ही समझदारी का काम उसने किया। अगर आपको यह ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कॉमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। मैं चलता हूँ दोस्तों, मुझे दीजिए अलविदा, आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।